मेरा नाम आदित्य विजय यादव है. दिस ईयर आई सिक्योर्ड 72nd रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम. आई एम अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट की 2016 में. लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन इंडियन रेवन्यू सर्विस इनकम टैक्स में था, जहाँ मैं और आदित्य साथ में थे. इस साल मेरा सिलेक्शन होपफुली आईएएस में हो जाएगा. बट आप सब लोग जैसे यहाँ पे बैठे, जैसे आदित्य भी बता रहा था, मैं भी जहाँ आप लोग बैठे वहीं पे था आज से 1-2 साल पहले. और मैं भी सोचता था कि एक दिन मैं इस साइड आऊँगा, मैं भी अपनी तरफ से कुछ बोलूँगा. जो चीज़ मुझे वहाँ बैठे बैठे आप लोग जो सब सोच रहे होंगे, वो सब मैं भी सोचता था कि हाँ मेरे में भी कोई बात है, शायद है या नहीं मुझे नहीं पता. और यहाँ आके अपनी जो मैं टिप्पणियाँ दे रहा हूँ, वो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बहुत अनश्योर हुआ करता था. एक दिन आज के दिन मेरे को कन्विक्शन है कि मेरा सिलेक्शन हो गया. जो मैंने किया शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही किया होगा. पर जो आप लोग आज के दिन अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में, एज आदित्य सेड, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव टेकन द ब्रेव स्टेप ऑफ गिव ऑफ अटेम्प्टिंग टू गिव द एग्जाम. यही एक बहुत ब्रेव मूव है जिसमें आपने अपना पूरा टाइम और मेंटल माइंड स्पेस आपको डिवोट करना है, पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल और शायद सालों साल. बट दिक्कत कई बार ये होती है कि हम लोग एग्जाम देने की अपनी विल तो बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि जो जब कोई इंसान बोलता है कि 2-3 साल पढ़ना होता है, कि वो 2-3 साल की बैटल नहीं है, वो हर रोज की एक जंग है. हर आप सब रोज पढ़ाई करते हैं, आप लोग तो देखते हैं कि हर घंटे हर मिनट की वो जंग है. कि जब मैं किताब लेके बैठा हूँ दिन में 4-6 घंटे पढ़ ली, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं अब क्यों पढ़ूं. और उस टाइम पे हर उस सेकंड पे मुझे अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं, चाहे एक ही रिजल्ट आएगा और शायद वो 1-2-3 साल बाद है, उसके लिए मुझे अभी पढ़ना है. जैसे आदित्य कह रहा था कि पूरा आत्मसमर्पण आपको करना पड़ेगा, परिवार दोस्त सब कुछ रह जाएंगे, आपको अपना सिलेक्शन देखना है सबसे पहले, सब आ जाता है वापस एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा. जब आप अच्छा बायो शो ऑफ हैंड्स आपको बता सकते हैं कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया यूपीएससी में, हाथ खड़े करके कितने लोगों ने एक या एक से ज्यादा अटेम्प्ट किया. ठीक है, तो ज्यादातर लोग बिगिनर्स हैं जो 2019 का या 2020 का एग्जाम दे रहे. ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं बात करते हैं ताकि आप लोगों की थोड़ी एक ओरिएंटेशन हो जाए एग्जाम के टुवर्ड्स. आपको एग्जाम का प्रोसेस बता दूं और किस तरीके से पढ़ना है. जैसे आदित्य ने और सर ने कहा कि क्या पढ़ना है उतना ही जरूरी है जितना क्या नहीं पढ़ना उतना जरूरी है. एक समय था 70 और 80 के दशक का जब मटीरियल बहुत कम होता था, 4-6 किताबें होती थी, कुछ फॉरन ऑथर्स की किताबें होती थी जो दिल्ली से बाहर ज्यादा नहीं मिलती थी. इसलिए जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कॉलेजेस में और जेएनयू में पढ़ते थे उनका एडमिशन वो सिविल सर्विस में सेलेक्ट होते जाते थे और छोटे शहरों के बच्चों का कम होता था. आज के दिन दिक्कत ये है कि मटेरियल इतना सारा अवेलेबल है कि एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ कोई बच्चा किसी भी एरिया में बैठ के उतनी ही अच्छी पढ़ाई कर सकता है जितना कोई बच्चा दिल्ली के किसी कोचिंग सेंटर. इससे ये सवाल खड़ा होता है कि फिर अब हम कोचिंग करें क्यों, क्या जरूरत है आप सबको यहाँ आने की, खान स्टडी ग्रुप में आके पैसे देने की, आके बैठने की. बात यह है कि मटेरियल इतना ज्यादा हो गया है कि आप एज ए न्यू कैंडिडेट जिसे एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता, उसके लिए यह डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि क्या चीज जरूरी है और क्या जरूरी नहीं. आपको हमेशा अपने आप से ये पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या ऐसा मेरे में है जो मेरे को अलग बनाएगा बाकी सबसे. आप इतने सारे लोग यहाँ रूम में बैठे हैं, हम लोग आपके लिए बोल सकते हैं, जैसा आदित्य ने बोला कि आप लोग सब आईएएस ऑफिसर बनेंगे कल को, लेकिन हम सब जानते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है और ये इस मध्य प्रदेश के एक शहर के कुछ बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं. ऐसे इस शहर में कितने बच्चे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में कितने बच्चे हैं, पूरे देश में कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल आप ही के जैसे हैं, जितनी आप पढ़ रहे हैं उससे शायद डबल पढ़ाई कर रहे होंगे. तो ऐसा क्या है कि आप में से एक एक इंडिविजुअल को जो चीज औरों से अलग करती है. वही किताबें आप लोग नेट पे सारे टॉपर स्टॉक देखते होंगे, हम लोग भी आपको कुछ किताबें बताएंगे. क्या ऐसा है जो आपको अलग बनाएगा बाकी लोगों से? आपकी प्रिपरेशन कहीं से तो अलग होनी चाहिए, वरना इंसान कैसे बनेगा? मेरे हिसाब से उस चीज के लिए कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है. मैं खान स्टडी ग्रुप में वीकेंड क्लास में आया था January 2015 में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की. उस टाइम पर मेरे को भी बहुत कम आइडिया था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. हर इंसान अपनी अलग अलग चीजें बोलता था, कोई कहता था मोटी किताबें पढ़ो, कोई कहता था कुछ पढ़े बिना चले जाओ, छोटी छोटी पत्ती वाली किताबें. कुछ लोग होते हैं ना टॉप करने के बाद ये बोलना शुरू हो जाते हैं नहीं मैंने तो कुछ पढ़े.
या तो वो बच्चे बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं या शायद ऐसा हो सकता है कि वो उन्होंने ज्यादा मेहनत की है और वो शायद बता नहीं रहे। मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है। मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में जब घुसा था तब से लेकर फिफ्थ ईयर कॉलेज तक और उसके बाद दो साल और मैंने सात साल पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की है। और बट मैं ये भी समझता हूँ कि जितनी पढ़ाई मैंने की है उतनी शायद पूरे देश में 10,000, 20,000, 50,000 लोगों ने की। तो इसलिए जरूरी ये नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करो, आपको स्मार्ट मेहनत करने की जरूरत है। आपको ये जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। इस चीज के लिए अब जैसे शुरू में मैंने शुरू किया था केएसजी को, सर रोज हमें कुछ मॉड्यूल्स देते थे, कुछ सेट स्टैंडर्ड बुक्स देते थे और जो क्लास में नोट्स मिलते थे उसके साथ साथ अलग अलग हमें दोनों करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शंस के कुछ नोट्स मिलते थे। आप सबको भी जरूर मिलते होंगे हर क्लास के बाद। एंड साथ ही साथ हम लोगों का हर क्लास के बाद एक टेस्ट होता था। उससे क्या होता है कि आपको सबसे पहले पता लगता रहता है कि आप इस छोटी सी क्लास में कहां स्टैंड करते हैं। अगर आप इस छोटी क्लास में नहीं स्टैंड कर रहे थे तो शायद ही देश के इतने बड़े एग्जाम में आप नहीं स्टैंड करेंगे। तो और आपको रोज रोज अपने आप को मोटिवेट करने का एक नया बहाना देते हैं और साथ साथ जो, जो जिस चीज को जो 10 किताबों से पढ़कर एक किसी ने मेहनत करके ऑलरेडी बना दिया है। अब मान लीजिए आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि जो नोट किसी ने मेहनत करके बना रखा है अब वो नोट पूरी श्रद्धा से पढ़ लें, वो शायद ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप लोगों के लिए कोचिंग क्लास जरूरी है। मैं ये मानूंगा कि खान स्टडी ग्रुप में आकर आप लोग अगर सिर्फ रिलीजियसली ये पढ़ लें जो सर आपको नोट्स क्लास में लिखवाते हैं और जो प्रिंटेड नोट्स आपको मिलते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक हो जाएगी। साथ ही साथ आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कंसिडरिंग कि आप सबने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू की कि कोचिंग क्लास से क्या होता है। कोचिंग क्लास कोई झाड़ू की छड़ी नहीं है, इससे ये आपकी पूरी प्रिपरेशन नहीं करा सकती। जैसे आदित्य ने कहा, ये आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकती है, ये आपको मोटिवेट कर सकती है, क्योंकि आप देखते हैं आपके आसपास इतने बच्चे बैठे हैं जो शायद क्लास में आपसे ज्यादा जानते हैं, जो शायद आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो क्लास में आपसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिनका आपको लगता है कि आपसे ज्यादा अच्छे आसार है उसमें एग्जाम में। आपको उन सब लोगों से बेहतर होना है, ये पहली बात। दूसरी बात, जो टीचर जो इतने सालों से वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो आपको ये बताता है कि उस सब्जेक्ट में कितनी डेप्थ में क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी, उस चीज को लेकर आपको घर जाना है और उसकी पढ़ाई अलग से खुद करनी। मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आप अगर आप नोट्स पढ़ लेंगे उससे आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चम्मच से कोई खिला दे उससे नहीं होने वाला, आपको एक मेहनत खुद करनी पड़ती है। लेकिन डायरेक्शन देने वाले और ये बताने वाले कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो क्लास में आपको पता लग जाएगा। एग्जाम के तीन पार्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू को अभी एक थोड़ी देर साइड में रखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस एग्जाम में प्रीलिम्स की स्टेज होती है, क्योंकि लगभग 6 लाख लोग एग्जाम के लिए बैठते हैं, उनमें से 15,000 और इस साल 10,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। ये इस देश के सबसे टफ एग्जाम्स में से सिर्फ प्रीलिम्स ही शायद सबसे टफ एग्जाम माना जाएगा, ओनली शेयर टर्म्स ऑफ नंबर्स कि कितने लोग इसमें से बाहर होंगे। आपको क्या चीज अलग करती है वो आपको पढ़ाई के साथ साथ पता लगेगा। पहली चीज होगी स्टैटिक अप्रोच, जो आपके लिए सब्जेक्ट होगा, जो आपके सिलेबस सबने पढ़ा होगा, जिसमें हिस्ट्री आ जाता है, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी वगैरह, वो सब आप लोग क्लास में पढ़ेंगे। साथ साथ दूसरा हो गया करेंट अफेयर्स और तीसरा हो गया डूइंग टेस्ट योरसेल्फ, कि आप टेस्ट सीरीज घर पे लें या टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें और साथ साथ टेस्ट देते रहें और देखें कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अभी जून चल रहा है, जून खत्म होने वाला है, आज 1 जुलाई हो गया है, आज 1 जुलाई हो गया, आप लोगों के पास लगभग 11 महीने पढ़ने के लिए। उन आज के दिन आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, पिछले साल का पेपर, इस साल का पेपर देखें, घर पे बैठ के दीजिए, देखो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उससे आपको ये अंदाजा होगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कितना इम्प्रूव करना है अगले साल। साथ ही साथ जैसे जैसे क्लास में बताया जाए, स्टैटिक और करेंट अफेयर्स के पोर्शन करते रहे, उससे मेरे हिसाब से काफी फायदा होगा। जहां तक बात रही मोटिवेशन की, एज आई ऑलरेडी सेड, आपको हर सेकेंड हर मिनट अपने आप से ये पूछना है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। जब तक आपके पास खुद ही वजह नहीं है, अगर आपके घर वालों ने बोला, चाहे किसी और ने आपको बोला हो, जिससे आपको बाहर से मोटिवेशन आती हो, वो बात ठीक है। लेकिन जब आपको रोज पढ़ना है, हर सेकेंड पढ़ना है, हर बार जब आपका दोस्त आपको बुलाता है या मम्मी पापा बोलते हैं शादी में चल रहा हूँ,
उस टाइम पे अपने आपको अपने आप को समझाने कि मैं क्यों नहीं जा रहा, कि मैं क्यों और कुछ नहीं कर रहा, कि मैं क्यों दिन भर दिन हफ्ते हफ्ते साल साल यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने खुद के समय की और अपनी खुद की इज्जत करना आना चाहिए। आपका समय कोई फालतू नहीं है कि आप पांच पांच साल यहाँ पर बैठ के एग्जाम की तैयारी करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप चौथे पांचवें अटेम्प्ट नहीं निकाले, जैसे आदित्य बोल रहा था कि अगले साल निकालेंगे, उससे अगले साल निकालेंगे। सबसे बुरी आदत यही होती है, ज्यादातर बच्चे इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि उनको अपने दिमाग में ये पता था कि शायद एक और अटेम्प्ट है, और ऐसे ही करते करते बहाने निकलते रहते। एक साल आपका ऑप्शनल नहीं कम्प्लीट होता, एक साल आपका फ्री दुख के में नहीं निकलता, तीसरे साल आपने इंटरव्यू में कुछ गलत कर दिया और आपके पांच अटेम्प्ट हो गए, छह अटेम्प्ट हो गए, आपकी सारी जवाहरी निकल गई, बाकी आप और कोई नौकरी के आसार आपके खत्म हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आप लोग इस चीज में बैठे हैं, पूरा पूरा दिन पूरा साल इस चीज में दे रहे हैं, तो वो देना है तो अच्छे से, और इतने अच्छे से दो कि बाकी जो आपके साथ लाख दो लाख लोग दे रहे हैं ये एग्जाम, आप उनसे बेटर। सब लोग सेम काम करते हैं और ये एग्जाम एंड में रिलेटिव है, आप यू जस्ट हैव टू बी बेटर देन द अदर्स, यू जस्ट हैव टू स्टडी हार्डर और यू हैव टू स्टडी स्मार्टर देन द अदर्स। जो और शायद मेरी बात से यहाँ सब लोग होपफुली सहमत होंगे कि मैं, मेरे को नहीं लगता कि मैं अच्छा स्टूडेंट था कभी भी, मैं ना स्कूल में मैंने कभी टॉप किया, ना कॉलेज में मैंने टॉप किया, बट मेरे को ये जरूर लगता है कि मैं स्मार्ट पढ़ाई करता हूँ, कि जितनी थोड़ी बहुत मैंने की, जितनी मेहनत मैंने की, वो मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों में की जिनकी ज़रूरत थी। हमेशा कुछ भी पढ़ने से पहले मैंने अपने आप से ये पूछा कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर आपको कोई किताब किसी ने रेकमेंड कर दी, आप खुद दिमाग लगाइए, क्योंकि एंड में आपको एग्जाम पेपर में खुद दिमाग लगाना है कि ये चीज सिलेबस का पार्ट है या नहीं। अखबार में आप पूरा अखबार पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको दिन के एक अखबार में चार घंटे लगते हैं, और कहीं ना कहीं आप टॉपर से अगर बात सुनेंगे तो शायद उनका एक घंटे में पेपर में नोट्स वगैरह बना के खत्म हो जाता है। कोई तो फर्क है, कोई चीज ऐसी है जो आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, जो वो नहीं पढ़ रहे। सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है और ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्यों पढ़ रहा हूँ, और ये अपने आप से पूछना है कि हर चीज जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कौन सी जगह पर काम आएगी, सिलेबस में कौन से पोर्शन का पार्ट है और मुझे वो कितनी पढ़नी। कई बार आप पूरी पूरी किताबें पढ़ जाएंगे, पांच पांच बार पढ़ लेंगे। कई लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में विपिन चंद्रा भी पढ़ ली, एनसीईआरटी किसी ने बोला वो भी पढ़ ली, फिर स्पेक्ट्रम की किताब आती है वो भी पढ़ ली। क्यों? आपको तीन किताबें जो आपने पढ़ी उससे आपका नुकसान हुआ कि आपका समय तो लिमिटेड है, तो जो आपने एक्स्ट्रा समय हिस्ट्री में लगाया वो शायद आपने बाकी पोर्शन से ले लिया। तो मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा कि अपनी सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखें, बहुत सोच समझ के अपनी सोर्सेज आप देखें कि मुझे ज्योग्राफी के लिए ये किताबें करनी है, इससे बाहर मुझे कुछ नहीं करना। आपको किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं बनना है इस एग्जाम में, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। आपको कोई चीज़, मैं तो शायद ये भी बोलना चाहूंगा कि समझने की भी कोई खास ज्यादा जरूरत हर चीज की नहीं है। जितना आप, अगर मैं मतलब किसे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बोलूँ, या जैसे मतलब बोला जाता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, कि ये पढ़ने में मेरा क्या फायदा है, आप ये सर का वर्ड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें ये है कि आपको हर टाइम देखना है कि हर चीज पढ़ने से पहले कि इसमें मेरा क्या फायदा है। कोई भी जिज्ञासा के लिए तो पढ़ लिया, जिज्ञासा के लिए पढ़ लिया, जिंदगी पढ़ी है, पढ़ो जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है पढ़ो। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी भी चीज का मास्टर होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ो जितना वो पढ़ना जरूरी है। कितना जरूरी है वो आपको क्लास में आते पता लगेगा, अगर आप ध्यान से सुने और सही क्वेश्चंस पूछें। और पढ़ने में अगर आपको कोई डाउट हो, सिलेबस में कोई डाउट हो, या किताबों के सिलेक्शन में कोई डाउट हो, तो आप सर से पूछे। सर इज आर्ग्यूएबली वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल इंस्टीट्यूट हेड्स इन द कंट्री। शायद ही बाकी जितने भी रीडिंग कोचिंग सेंटर जो भी हो, उनमें से शायद ही किसी के हेड का कोई नाम जानता भी होगा, शायद ही ऐसा कोई होगा जो हर क्लास को, हर बैच को एड्रेस करता हो, और वो भी मल्टीपल टाइम्स, एंड इन एज फ्रेंडली एंड एज हम्बल अ फैशन, विद एज मच ह्यूमिलिटी एज सर डज। तो आई वुड रेकमेंड कि आप सर की बातें और जितने यहाँ पर जितनी फैकल्टी उनकी बातें आप इन चीज़ों में सुने, और ये जानने की कोशिश करें कि कितनी चीज़ कैसे क्या पढ़नी है, और अपनी पढ़ाई को लिमिटेड रखें, वो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी रहेगा। क्या किसी के पास अभी कोई इस चीज में कोई क्वेश्चन है जो मैंने बोला? थैंक यू।
तो इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा। देखो हाँ, ये बात जैसे शायद अगर क्वेश्चन आंसर तो बाद में कर लेंगे, बस इनका एक जवाब दे देता हूँ। पढ़ने के घंटे सबके अलग होते हैं, हर इंसान का स्टाइल, हर इंसान की क्षमता अलग होती है, फिजिकल कितनी देर आप बैठ सकते हैं और मेंटल कितना आप एक टाइम पर रिटेन कर सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड लगाना कि 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे या 6 घंटे, वो वैलिड नहीं है। मेरे हिसाब से जितना आपकी क्षमता खुद की है उतना आप दिन में पढ़ो और उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा दिन में एक्सीड करने की कोशिश करो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी क्षमता 6 घंटे की तो ये थान लो कि किसी भी दिन 4 घंटे से कम मैं नहीं पढ़ूँ। कोई भी दिन आ जाए, चाहे बाहर बारिश हो रही हो, आप बीमार हो, अगर आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, आंखें खोली नहीं जा रही, सिर्फ किताब सामने रख के 4 घंटे बैठो। ओनली टू पनिश योरसेल्फ कि चाहे मैं नहीं पढ़ पा रहा आज, आज मैं किताब लेके 4 घंटे बैठूंगा। क्यों? क्योंकि ये करना जरूरी है, ये आदत डालने के लिए जरूरी है, क्योंकि इस आदत को खोना सबसे आसान है, इस आदत को पाना सबसे मुश्किल है। तो ये जानना शायद ज्यादा कम जरूरी है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि मिनिमम कितने घंटे आपको हर दिन अगले एक साल पढ़ना है। और उसमें ये डिसाइड करना कि जितने घंटे आप लगा रहे हो, चाहे आप दिन के 5 घंटे लगा रहे हो, ऐसे कितने लोग होते हैं जो काम करने के साथ साथ टॉप कर जाते हैं, एग्जाम में टॉप 50 टॉप 10 रैंक आते हैं, जबकि दिन में वो 8-10 घंटे काम कर रहे हैं। वो इसीलिए, क्योंकि जितना भी समय वो दिन में निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए, वो उस समय पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं। शायद ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 12 घंटे किताब लेकर बैठे रहते हैं मेरे जैसे, बट प्रोडक्टिविटी शायद 3 घंटे 4 घंटे की है। तो मेरे हिसाब से जितना भी पढ़ो वो रेलिवेंट चीज पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। मेरे हिसाब से ये जरूरी नहीं है कि दिन में आपको 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना हो।